वेलकम। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के इंट्रोडक्शन पे बात करने के बाद अब हम लोग उनके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि दो पार्ट्स में मिलता है। पहला पार्ट जो होता है वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पार्ट कहलाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसके पहले एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होगी वो दो फॉर्म में दी होगी। पहला फॉर्म होगा q इक्वल टू जीरो, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग की बनेगी वो होगी f dy इक्वल टू जीरो। तो हम आप देखिए जब ऐसी कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट मिलती है तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं होगा, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल q मींस फंक्शन ऑफ x के कारण आता है। तो मतलब दूसरे टाइप की जो डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट होगी उनमें q इज अ फंक्शन ऑफ fx, तो उनके लिए जो हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा। तो यहां से ये कंक्लूजन मिलता है कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो आता है फंक्शन ऑफ एक्स के कारण हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट के सोल्यूशन में। इसी के साथ साथ आपको हम ये भी बता दें कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस को पैरामीटर्स प्रोवाइड कराता है, जबकि पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। लेकिन जब इक्वल टू जीरो होता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर्स की ही जो सॉल्यूशन मिलता है उसी की हेल्प से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म आउट कर सकते हैं, इसलिए फिर हमें किसी भी प्रकार से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होती है? इट इज अ पार्ट ऑफ जनरल सॉल्यूशन। ये जो हम लोग का सॉल्यूशन है y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसे हम लोग जनरल सॉल्यूशन ऑफ एनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट कहते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ जनरल सॉल्यूशन व्हिच इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन f d इक्वल टू जीरो। That means, ये imply करता है, या फिर हम कह सकते हैं f dy equal to zero, इस linear differential equation with constant coefficient का solution जो होता है वही complementary function कहलाता है। अगर equal to q भी होगा तब भी हम लोग complementary function को निकालने के लिए q is equals to zero suppose करके ऐसी linear differential equation form out करेंगे, फिर उसके लिए complementary function निकालेंगे। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म आउट करनी पड़ती है और फिर उस ऑक्सिलरी इक्वेशंस के जो रूट्स आते हैं उन्हीं रूट्स की हेल्प से हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस मिल जाते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं। तो जब हम लोग को भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को वो करेंगे तो हम लोग सबसे पहले देखिए जो पहली लीनियर डिफरेंशियल कांस्टेंट कोएफिशिएंट दी है उसमें q = 0 कंसीडर कर लेंगे अगर नहीं दिया है तो, और फिर हम लोग y को रिप्लेस कर देंगे e टू द पावर mx से। तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें क्या हो जाएगा a0 d n e टू द पावर mx प्लस a1 d n माइनस 1 e टू द पावर mx प्लस एंड सो ऑन a n e टू द पावर mx इक्वल टू 0। e टू द पावर mx ये y की वैल्यू है, इसका फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, यहां पर मान लीजिए कोई a n माइनस 1 रहा होगा, a1 a2 a0 एंड सो ऑन क्या है कोई भी कांस्टेंट है, तो इसका जो इसके पहले रहा होगा क्या होगा m e टू द पावर mx, इसी प्रकार से इससे पहले m स्क्वायर e टू द पावर mx, और इसी तरीके से n माइनस 1th डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है e की पावर mx का e की पावर m की पावर n माइनस 1 e टू द पावर mx, और a1 as usual रहेगा प्लस इधर आ जाएगा a0 m की पावर n e टू द पावर mx। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए पूरी इक्वेशन में आप देखिए e टू द पावर mx हमें कॉमन मिल जाएगा और कुछ ऐसी एक इक्वेशन मिलती है। e टू द पावर mx को हम जीरो नहीं ले सकते क्योंकि ये इक्वल टू y है, तो फिर y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये जो डिफरेंट इक्वेशन है इसे हम लोग जीरो ले लेते हैं। तो यही जो इक्वेशन हम लोग की मिली यही इक्वेशन कहलाती है
ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको हम ये भी बता दें कि ऑक्सिलरी इक्वेशन को फॉर्म आउट करने के लिए हमें हर एक क्वेश्चन में y को e की पावर mx से रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम देखें तो जो एफ डी मीन्स फंक्शन ऑफ डी ऑपरेटर था उसी में अगर हम लोग डी को एम से रिप्लेस कर दें तो हम लोग की ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाती है। मीन्स बस डी को हमको एम से रिप्लेस करना होगा और हम लोग की ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी। फिर जब ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी तो हम लोग यहाँ पर एम की वैल्यूज निकालेंगे। जैसे हम लोग के पास लीनियर इक्वेशन होती थी तो वन सोल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू सोल्यूशन, क्यूबिक इक्वेशन थ्री सोल्यूशन, वैसे उसी तरीके से यहाँ पर एन एन एनथ पावर की इक्वेशन है तो इसके एन सोल्यूशन आएंगे। लेकिन हम लोग कुछ सोल्यूशन पे डिस्कस कर लेते हैं जो कुछ जनरल सोल्यूशन आते हैं किसी भी इस टाइप की अलजेब्रिक इक्वेशन के। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को जब हम फॉर्मेशन कर लेंगे तो जैसे हम लोग यहाँ पे m वेरिएबल लिया है, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, हमने m लिया है तो m के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। कि जैसे कोई अगर लीनियर इक्वेशन होती है तो उसका वन सोल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू सोल्यूशन, क्यूबिक इक्वेशन थ्री सोल्यूशन, तो वैसे यहाँ पर तो किसी भी ऑर्डर जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही डिग्री की ऑक्सिलरी अलजेब्रिक इक्वेशन मिलेगी, उतने ही हमें रूट्स मिलेंगे। तो उन डिफरेंट डिफरेंट रूट से ही हमें पैरामीटर्स प्रोवाइड होंगे और उन्हीं से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस बनेंगे। तो सबसे पहला जो वो होता है, वो होता है इफ ऑल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कहने का मतलब है कि सारी जितने भी रूट्स हैं वो रियल नंबर्स में हो और उनकी जो वैल्यूज हो अलग अलग हो सभी रूट्स की, तो हम इनका सीएफ क्या आएगा, सी वन ई टू द पावर एम एन एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर एम टू एक्स प्लस एंड सो वन। इसी तरीके से जितने रूट्स आएंगे उतने सी के साथ ऐड करके लिख लेंगे। दूसरा टाइप होता है रियल, मतलब रूट्स आर रियल बट सम इक्वल्स, कुछ रूट इक्वल हो। जैसे मान लेते हैं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर की है, उसके थ्री रूट्स इक्वल हैं, एम वन एम टू एम थ्री इक्वल हैं और एम फोर डिस्टिंक्ट है, तो इसके जो सी एफ आएगा वो आएगा, या फॉर्मूले नोट्स कर सकते हैं सी वन, तो जो इक्वल होंगे उन्हें हम लोग मिलाकर ही लिख देंगे, सी थ्री एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एम वन एक्स प्लस, ये जो डिस्टिंक्ट होगा वो ऊपर के रूल से आ जाएगा, सी फोर ई टू द पावर एम फोर एक्स। फिर क्या होता है, थर्ड रूल होता है इफ रूट्स आर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। यहां पर हम देखें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेशन में है, मींस रियल नहीं है, तो इनमें जो होता है वो फोर टाइप्स के सीएफ आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप के फॉर्मेशन में। सबसे पहले तो जो ऊपर ही है जनरल सी वन ई टू द पावर अल्फा प्लस आई बीटा एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर अल्फा माइनस आई बीटा एक्स, ये तो देखिए ऊपर टाइप का ही है। सेकेंड सी एफ जो आता है वो आता है सी वन ई टू द पावर एल्फा एक्स साइन, ये अलग अलग तरीके से सी एफ लिखने का मतलब है कि हम लोग आयलर फॉर्मूला से ई की पावर आई बीटा एक्स जो बनता है उसे तोड़ लेते हैं। तो और ये हर तरीके के सी एफ को हम लोग को इसलिए स्टडी करना पड़ता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, अब आपको मान लीजिए कि चार ऑप्शन है, चार में से तीन सही दे दिए क्योंकि इसके फोर टाइप्स के बनते हैं, तो और लास्ट ऑप्शन दे दिए ऑल ऑफ दीज, तो आप पहला ही देख के टिक कर देंगे, फिर आपको जो फॉर्मूला याद होगा, इसलिए चारों याद करने पड़ जाते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए। चौथा होता है सी वन ई टू द पावर एल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू, चौथा जो सी एफ होता है वो होता है सी वन सॉरी ई टू द पावर एल्फा एक्स सी वन
कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। अब इसी में से मान लीजिए इसी पार्ट के रूट्स अगर रिपीट कर जाएं, इसी के रूट्स रिपीटेड हो जाएं, रिपीटेड होंगे तो किस तरीके से होंगे, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा एंड अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो जब इस तरीके का फॉर्मेशन होगा तो उसका जो सी एफ होगा, यही वाला फॉर्मूला देख लीजिए, इस तरीके से कुछ बन जाएगा, सी एफ इक्वल टू क्या बन जाएगा, ई टू दी पावर एल्फा एक्स। ये इन वालों को तो आप इसी के हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला देख लेते हैं किस तरीके से चेंज हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर साइन बीटा एक्स। ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी में हम लोग देखते हैं फोर्थ टाइप के जब इक्वेशंस बनती हैं, फोर्थ टाइप की जब एम की वैल्यूज आती हैं, फोर्थ टाइप में क्या होगा, रूट्स आर आ फॉर्म, रूट्स आर अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, इस टाइप की जब होंगी तो इन इनमें भी फोर टाइप की यही सेम टाइप की बनेंगी। सी एफ पहला क्या बन जाएगा, यहां पर एक चीज और है, बीटा इज ग्रेटर देन जीरो, अगर लेस देन जीरो हो गया तो फिर ऊपर का एक फॉर्मेशन बन जाएगा। तो इसलिए अब इसमें देखते हैं, सी एफ पहला जैसे सबका आ रहा है, अल्फा प्लस रूट बीटा एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर अल्फा माइनस रूट बीटा एक्स सेकेंड टाइप का सी एफ। इसी में साइन को साइन हाइपरबोलिक से सिर्फ ट्रांसफर कर दी, सॉरी रिप्लेस कर दीजिए, साइन हाइपरबोलिक बीटा एक्स, हाइपरबोलिक एक इमेजिनरी फंक्शन होता है। इसी तरीके से थर्ड सी एफ जो होता है वो सी वन, इसी में आप कॉस को कॉस हाइपरबोलिक से रिप्लेस कर दीजिए, कॉस हाइपरबोलिक बीटा एक्स प्लस सी टू। फोर्थ में भी आप फिर इसे हाइपरबोलिक से दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिप्लेस कर दीजिए, कॉस हाइपरबोलिक बीटा एक्स प्लस सी टू साइन हाइपरबोलिक बीटा एक्स, ये हो जाता है। अगर इसके रिपीटेड हो गए, अगर इसके रिपीटेड हो गए रूट्स, तो बस हमें क्या चेंज करना होगा, यहां पर कॉस हाइपरबोलिक यहां पर साइन हाइपरबोलिक। तो ये हो जाते हैं कि भिन्न भिन्न रूट्स आने पे, मतलब इस तरीके के किसी भी तरीके के एम के रूट्स आने पे हम कैसे सी एफ को लिखेंगे। बस हमें यही लिख देना है, अल्फा बीटा की वैल्यू या एम वन एम टू की वैल्यू ये सारी मिल जाएंगी हमें जब हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सी एफ के लिए, कुछ एग्जाम्पल से लेते हैं मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इवेल्युएट करने के लिए। देखिए हमने ऑलरेडी सारी क्यों जीरो वाली इक्वेशंस ले रखी हैं, मतलब इनमें पर्टिकुलर इंटीग्रल आना ही नहीं है। तो आइए देखते हैं कि कैसे सी एफ निकालते हैं, एक कंप्लीट प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये डी बाई डी एक्स का फॉर्मेशन है, इसे पहले हम लोग कैपिटल डी के ऑपरेटर में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर y को अलग कर लेंगे और एक ऑपरेटर d में इक्वेशन बना लेंगे। अब देखिए ये एफ डी हो जाता है, अगर हम लोग कॉम्परिजन कर ले तो एफ डी की वैल्यू d, एफ डी अगर ये है तो हम लोग को ऑर्डिनरी इक्वेशन बनाने के लिए सिर्फ क्या करना था, d को m से रिप्लेस करके उसे जीरो के इक्वल ले लेना था। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम क्यूब माइनस टू एम स्क्वायर प्लस फोर एम माइनस एट इक्वल्स टू जीरो। देखिए इसका सॉल्यूशन, यहां से एम स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, एम माइनस टू प्लस यहां से फोर एम कॉमन मिल जाएगा, सॉरी एम नहीं मिलेगा, फोर कॉमन मिल जाएगा, एम माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। अब अगर हम लोग इसमें देखें तो एम माइनस टू और एम स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो, एम माइनस टू क्या शो करता है कि एम इक्वल टू टू, और एम स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो का मतलब होगा
एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर, इट मीन्स एम इज इक्वल टू प्लस माइनस टू आई, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस टू आई, थ्री आउट ऑफ थ्री रूट मिल गया, एक प्लस टू आई माइनस टू आई। तो अगर हम प्लस माइनस जो टू आई वाला है वो देखे तो अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्मेशन में है, तो इसका जो सी एफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, पहले जो रूट आया है इक्वल टू द टू, उसके लिए क्या मिल जाएगा, सी वन ई टू दी पावर एम की वैल्यू टू एक्स प्लस अब सी टू ई टू दी पावर अल्फा एक्स, क्योंकि अल्फा इक्वल टू जीरो है तो उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, कोई एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जैसे कॉस बीटा का मतलब टू एक्स प्लस सी टू, क्योंकि q इज इक्वल टू जीरो है तो यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन भी हो जाएगा, y इक्वल टू सी एफ मतलब x 2x प्लस c2 cos 2x प्लस c2, सॉरी c3, ये थर्ड आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। तो ये हो जाता है, इस तरीके से हम लोग सी एफ निकालते हैं, और अगर इक्वल टू जीरो है तो यही सोल्यूशन जाता है। अब इसमें डायरेक्ट हम लोग एफ डी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट एफ डी क्या आ जाएगा, देखिए डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो एफ एम इक्वल टू जीरो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी, अगर एम से रिप्लेस कर दे तो एफ क्यूब माइनस थ्री एम स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो, अगर हम देखें तो m माइनस वन इसका एक फैक्टर होगा, दी गई हम लोग का क्यूबिक डिफरेंस सॉरी क्यूबिक अलजेब्रिक इक्वेशंस ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं, एक फैक्टर ले लेते हैं तो उसी में कन्वर्ट करते हैं, m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर ऐसे कन्वर्ट करते हैं, जब फैक्टर का चैप्टर लेंगे तो कभी देख लेंगे कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, m स्क्वायर देखिए m में पहले m स्क्वायर को तोड़ा, m स्क्वायर अब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा 2m पॉजिटिव बा, क्योंकि पॉजिटिव किया है तो उसे सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और लास्ट के साथ लिख देंगे। अब देखिए यहां से m स्क्वायर कॉमन मिलेगा, m माइनस वन माइनस टू एम कॉमन मिलेगा, m माइनस वन उधर से अगर हम सॉरी हम लोग को यहां पर m माइनस वन बनाना था, वन नहीं होगा इसका एक फैक्टर, m माइनस वन नहीं होगा एक फैक्टर, m माइनस टू होगा इसका एक फैक्टर, ऐसे हम लोग चेक करते हैं, तो m माइनस टू में इसे कन्वर्ट करेंगे तो m इस m क्यूब माइनस टू एम स्क्वायर, फिर क्या बचा m स्क्वायर बचा प्लस का टू एम, हाँ प्लस का टू एम फिर माइनस टू एम प्लस फोर, ऐसे हम लोग तोड़ लेते हैं। अब अगर हम यहां से m स्क्वायर कॉमन लेंगे तो m माइनस टू माइनस m कॉमन लेंगे तो m माइनस टू, यहां पर भी माइनस का टू कॉमन लेना पड़ेगा, m माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो क्या बन जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस टू और पूरे में कॉमन m माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसके फैक्टर कर लेते हैं तो देखेंगे m माइनस टू एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस एम, एम को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके माइनस टू इक्वल टू जीरो, अगर हम लोग कॉमन लेकर देखेंगे तो क्या बन जाएगा इसका एक फैक्टर एम माइनस टू, दूसरा फैक्टर एम प्लस वन, मतलब एम प्लस वन एक फैक्टर था, मतलब हम लोग अगर एक्स इक्वल टू माइनस वन लेकर चलते तो यहां पर अगर हम लोग रूट्स देखें तो क्या आ गया टू टू और माइनस का वन, अगर हम देखें टू टू सेम रूट्स आ गए तो इतने के लिए हम लोग को सेम रूट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और सी एफ क्या आ जाएगा सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू दी पावर एम का मतलब टू एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर माइनस एक्स, ये आ जाएगा, और चूंकि क्यू इक्वल टू जीरो है तो यही सोल्यूशन भी बन जाएगा। आइए आप देखते हैं आगे कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका एफ डी क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी माइनस फोर, तो इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन एफ एम इक्वल टू जीरो, डी को एम से रिप्लेस कर देंगे माइनस का थ्री एम माइनस फोर इक्वल टू जीरो, इसके अब फैक्टर कर लें
तो एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 4 इक्वल टू 0, m कॉमन मिल रहा है तो m माइनस 4 प्लस का 1 कॉमन मिल रहा है, m माइनस 4 इक्वल टू 0 तो m प्लस 1, m माइनस 4 इक्वल टू 0, इसके आ गए रूट्स माइनस 1 एंड 4। अब अगर हम लोग देखें तो टू डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी एफ इज इक्वल टू C1 e की पावर माइनस एक्स प्लस C2 e टू दी पावर 4x, और इसका सोल्यूशन आ जाएगा यही e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस C2 e टू दी पावर 4x। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीख जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।